हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। ये फंक्शन का हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे फंक्शन के टाइप देखे थे, ये जो लिखे हुए हैं। आज इनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, तो यदि आपको ये नहीं मालूम है तो आपको मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो देख लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। जैसे एक क्वेश्चन के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x है, तो मुझे दिखाना है कि 1:1 है एंड इनटू है। यदि इन दोनों का मीनिंग नहीं मालूम है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसके कारण आप मेरा जो फर्स्ट वीडियो है उसको देख लीजिए, फिर इसको समझ में आएगा कि 1:1 क्या होता है, इनटू क्या होता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 1 कि लेट्स मेरा एफ सच दैट एन मैप टू एन, जहाँ पर मेरा क्या है एफ एक्स इक्वल टू 2x दिया हुआ है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन, एन क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर, मतलब मेरा कुछ भी हो सकता है 1, 2, 3, ये नहीं हो सकते इस तरह के फ्रैक्शन वाले नंबर। तो इनके अलावा जो भी नंबर रहेंगे उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो वो बिलोंग करता है एक्स में। तो अपने को क्या क्या प्रूफ करना है कि ये 1:1 है, मतलब मेरा जो एक लेफ्ट साइड का एक सेट है, राइट साइड का सेट है, तो 1:1 मतलब मेरा एक के साथ एक का मैपिंग होना चाहिए। सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद इनटू देखते हैं। तो अपने को ये दिखाना, तो इसके लिए क्या हम करेंगे कि वी हैव, क्या क्या है अपने पास, वी हैव एक्स का कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो मैं बोलता हूँ कि एक्स वन एंड एक्स टू। मेरे पास क्या है, एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो इसका क्या होगा सच दैट, इसका क्या मीनिंग है, मेरे पास एक्स का वैल्यू है तो 2x है, तो एक्स वन की जगह क्या हो जाएगा मेरा 2x1 इक्वल टू 2x2, तो दोनों साइड एक है, से 2 कट जाएगा, मेरा क्या बच जाएगा x1 इक्वल टू x2। क्या हो रहा है मेरा x1 इक्वल टू x2 हो गया, 1:1 हो गया, मतलब मेरा क्या है 1 यहाँ पे x1 यहाँ पे x2। तो इससे अपने को क्या मालूम चल गया कि मेरा जो f है इज 1:1। अभी सेकेंड कंडीशन अपने को दिखाना है इनटू। अभी अपन देखते हैं इनटू, तो इनटू के लिए क्या था, यदि मेरे पास दो सेट हैं ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या इस तरह से बी में यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रहेगा जिसका मेरा प्री मैपिंग ए में नहीं रहेगा, तो अपन इसको क्या बोलते थे इनटू। तो अपने को ये प्रूफ करना है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो क्या है अपने पास मालूम है कि मेरा एफ एक्स इक्वल टू 2x दिया हुआ है, क्या मान लेंगे लेट वाई इक्वल टू 2x, देन मेरा क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा x इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे y y 2। यदि मैं यहाँ पे x देखूंगा तो यहाँ पे y y 2। अभी देखिए अपने क्वेश्चन में क्या बोले हैं, सारे नेचुरल नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर मिल जाए कि जहाँ पे जिसका मैपिंग नहीं रहे तो अपन इसको इनटू बोल देंगे। तो यहाँ पे कंसिडर कर लें, इफ वी पुट y इक्वल टू कोई भी नेचुरल नंबर जो कि उसे डिवाइड नहीं हो, 3 ले लेते हैं इस एग्जांपल में, क्या लिख देंगे अपन y इक्वल टू 3, तो इस कंडीशन पर क्या बन गया मेरा, देन मेरा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 by 2। तो यहाँ पे देखिए मेरा x क्या है 3 by 2 एंड y क्या है मेरा 3 है, तो इसका क्या मतलब मेरा 3 by 2 क्या है, मेरा n के अंदर बिलोंग नहीं करता है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये क्या है मेरा इनटू है। तो इसको लिख देंगे 3 belong to n has no free image in n, तो इससे क्या हो गया मेरा f is into, मुझे यही प्रूफ करना था। पूरा क्वेश्चन क्या था, हेंस मेरा f is क्या है 1:1 है एंड into है, ठीक है, तो अपने को ये प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि सो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन दिया है जहाँ पे मेरे ऑल नंबर दिए हैं रियल नंबर, सच दैट आर, जहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है मेरा क्या एक्स स्क्वायर, इज नाइदर 1:1 नॉर ऑन टू, मतलब ये मेरा क्या है 1:1 भी नहीं है एंड ऑन टू भी नहीं है। तो अपने को मालूम है दोनों की डेफिनेशन, सबसे पहले 1:1 की अपन ने अभी देखी है, तो अपने को प्रूफ करना है। तो अपने को कोई भी एक ऐसे नंबर मिल जाए जो कि 1:1 नहीं है, तो अपन इसको प्रूफ कर देंगे कि ये मेरा 1:1 नहीं है। तो
तो अपने को एक सिंपल लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहा है, मतलब मैं एक माइनस लूंगा एक प्लस लूंगा, तो इनका इमेज जैसे बन के लिए यहाँ पे बन मिलेगा, इसके लिए बन मिलेगा। तो ये देखिए दो नंबर एक को बिलोंग कर रहा है, माइनस वन एंड प्लस वन को, तो ये मेरा वन टू वन नहीं है क्लियरली। तो लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, बी हैव एफ इक्वल टू क्या है, माइनस वन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स कोई भी मेरे क्या है आर की बात कर रहा है रियल नंबर की, तो एफ इक्वल टू माइनस वन रखूंगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस वन का स्क्वायर मतलब वन। सेकेंड नंबर पे एफ इक्वल टू वन रखूंगा तो क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर इक्वल टू वन। तो क्या लिख देंगे इसको, ये जैसे अपन ने समझा है, दस टू डिफरेंट एलिमेंट इन आर द सेम इमेज, क्या है अपने पास, ये दो डिफरेंट एलिमेंट माइनस वन एंड वन आर के एलिमेंट है, एंड उनकी क्या है राइट साइड के सेट में मेरा वन के साथ है, तो ये वन टू वन नहीं है। वन का क्या होता है, मेरा वन के साथ मैपिंग होना चाहिए, ए का वन के साथ, बी के साथ टू, सी का थ्री, तब इसको वन टू वन बोलते हैं। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये मेरा क्या है वन टू वन नहीं है, देयरफोर एफ नॉट वन टू वन। नाउ सेकंड नंबर क्या प्रूफ करना है अपने को, नॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए देख लेंगे। अब सेकंड अपने को ऑन टू बताना है, ऑन टू में क्या होता था कि मेरा बी के जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज मुझे यहाँ पे होनी चाहिए, सारे एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज नहीं हो। लेकिन अपने इसका अपोजिट प्रूफ करेंगे कि नॉट की बात कर रहे हैं, नॉर की बात कर रहे हैं, मतलब अपने को कोई भी एक एलिमेंट ऐसा दिखा देना है जो कि मेरा रियल नंबर नहीं हो। रियल नंबर मतलब मेरा जैसे नंबर है इस तरह का कोई नंबर आ जाए मेरे पास, माइनस में इस तरह का कोई नंबर, तो अपन क्या करेंगे, तो मान लेंगे लेट क्या है मेरे पास एक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू वाई, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो मतलब मेरा वाई क्या है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर अदर साइड पे जाएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, करेक्ट, ये मेरा स्क्वायर स्क्वायर रूट का जस्ट अपोजिट होता है। तो ये कोई भी एक नंबर ले लें जो रियल नंबर है, थ्री नंबर ही लेते हैं, यदि मैं वाई इक्वल टू थ्री बोलूँ प्लस माइनस थ्री, क्योंकि मैं क्या रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस थ्री रखूँ तो माइनस थ्री की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है इट नॉट पॉसिबल राइट, क्योंकि ये मेरा रियल नंबर नहीं है, क्या बोल देंगे x इज नॉट रियल, सो x इज नॉट ऑन टू। यहाँ पे अपन ने क्या दिखाया था, नाइदर वन वन टू वन नॉर ऑन टू, लिख देंगे हैंस f नाइदर वन टू वन नॉर ऑन टू, यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री भी टू के साथ जैसा ही है, क्या बोलता है कि सो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है मेरा जहाँ पे रियल नंबर की बात कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज नाइदर वन टू वन नॉर ऑन टू, मतलब ये तो वन टू वन भी नहीं है एंड ऑन टू भी नहीं है, किसकी बात कर रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, यदि मैं माइनस की कोई भी वैल्यू रखूँ या प्लस की वैल्यू रखूँ तो हमेशा जो मेरे को आउटपुट मिलेगा वो हमेशा प्लस मिलेगा, जैसे माइनस टू रखूंगा तो इसका आउटपुट टू रहेगा, प्लस टू तो टू रहेगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो इसका मीनिंग रहता है एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। अपने को ये दिखाना है कि मेरा ये क्या है नाइदर वन टू वन, वन टू वन तो ये क्लियरली मालूम है, यदि मैं माइनस वन रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे वन, वन की वैल्यू भी वन मिलेगी, तो यहाँ पे ये जो सेट है यहाँ पे माइनस वन है एंड वन है, लेकिन यहाँ पे वन है तो टू बिलोंग कर रहा है वन को, तो ये मेरा वन टू वन नहीं है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, लिख लेते हैं वर्डिंग में, तो लिख देंगे वी हैव सेम, यही एग्जाम्पल लेते हैं माइनस वन का, माइनस वन तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस वन इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा वन, एंड एफ वन इक्वल टू क्या रखूंगा मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वन, क्या मिल जाएगा आउटपुट वन, तो दस टू डिफरेंट एलिमेंट इन आर हैव द सेम इमेज, तो क्या हो गया ये, इससे तो क्लियरली हो गया कि मेरा ये नॉट
वन टू वन नहीं है क्योंकि दो एलिमेंट की एक इमेज मिल गई, तो ये वन टू वन नहीं रहा। देयरफोर एफ इज नॉट वन टू वन। अभी सेकंड कंडीशन देख लेते हैं एक आई के लिए, ऑन टू के लिए। ऑन टू में अपने को क्या बता दें कि मेरा सारे एलिमेंट जैसे क्या होने चाहिए, जो बी में है इनकी सबकी इमेज यहाँ पे होनी चाहिए। एक भी एलिमेंट ऐसा दिखा दें कि जिसकी इमेज मेरी अदर साइड के सेट में नहीं है, तो वो मेरा नाइदर नॉट ऑन टू डिफाइन हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, अपन इसके लिए मान लेते हैं सेम जैसे लास्ट टाइम माना था। तो सेम लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, वाई, जहाँ पे वाई क्या है मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एंड जहाँ पे मैं वाई क्या है जो वाई की वैल्यू ले रहा हूँ वो मैं क्या रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, वाई बिलोंग टू रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई इक्वल टू मेरा क्या हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन क्या मालूम है मुझे, हेंस वैल्यू ऑफ वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इज डिफाइंड ओनली इफ y इज पॉजिटिव, क्योंकि x की मैं कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो मेरा y पॉजिटिव बन जाएगा। तो एंस वैल्यू ऑफ y इज डिफाइंड ओनली इफ y इज पॉजिटिव। बट अपने को मालूम है यहाँ पे y इक्वल टू क्या बोला अपने, रियल नंबर, बट y इज अ रियल नंबर। अभी रियल नंबर है मतलब मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, तो क्या लिख देंगे, हेंस इफ y इज नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, मेरा जो बाई का इमेज है वो मेरा एक्स में नहीं मिलेगा, तो क्या लिख देंगे, करस्पोंडेंट बॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एक्स। तो इससे क्या हो जाएगा कि क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि मेरा क्या है, वाई पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ माइनस वन की या माइनस टू इस तरह की, तो उसका इमेज मेरे को एक्स के अंदर नहीं मिलेगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है, हेंस वाई इज Not on to, क्या लिखेंगे, f is neither one to one nor on to, तो अपने को यही प्रूफ करना था। तो आपको सिंपल एग्जाम्पल से आपको मालूम चल जाता है, सिर्फ आपको ये वर्डिंग लिखनी है। यदि ये वन नंबर का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि neither one to one nor on to, एंड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब भी आप आसानी से बता पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर देख ले। क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा हटके है, अभी तक अपन देख रहे थे कि नाइदर और नॉर वाले, लेकिन यहाँ पे क्या है, सो दैट द फंक्शन, जहाँ पे एक फंक्शन है मेरा सच दैट आर मैप टू रियल नंबर, एक रियल नंबर से रियल नंबर के लिए है, एंड फंक्शन की डेफिनेशन दी है मुझे एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर थ्री एक्स क्यू इज वन टू वन भी है एंड ऑन टू है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन टू वन के लिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपन बोलते हैं बी हैव रियल नंबर की बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं, कोई भी दो नंबर ले लेंगे, तो अपन बोलते हैं फंक्शन एफ एक्स वन एंड इक्वल टू एफ एक्स टू, क्योंकि एक्स कोई भी सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो क्या लिख देंगे डेफिनेशन से, एक्स की जगह क्या था एक्स क्यू, तो एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वन टू दी पावर थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स टू, एक्स टू भी क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर थ्री। सॉल्व करते जाएंगे क्या हो जाएगा मेरा, एक्स वन का क्यू माइनस एक्स टू का क्यू एक साथ ले आएंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ से हट गया तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है मेरा जीरो। यदि मुझे इसका स्प्लिट करना रहेगा तो ए माइनस बी का क्यू का आपको फंक्शन याद होगा जो अपन ने 100 फार्मूला लिखे उसमें भी अपन ने डिफाइन किया है, क्या होता है उसके हिसाब से इसको स्प्लिट कर देंगे, क्या हो जाएगा x माइनस एक्स टू अलग हो जाएगा एंड रिमेनिंग का क्या बन जाएगा मेरा, देन स्क्वायर का स्प्लिट हो जाता है। तो x1 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इससे क्लियर मालूम है कि मेरी दो इक्वेशन बन गई है, एक यहाँ पे बनी है एक यहाँ पे। जब भी मैं इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ मतलब या तो ये मेरा नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए या ये इक्वल टू जीरो रहेगा तो ये नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। तो इस कंडीशन में यदि मैं बोल लूँ कि x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन में ये जो इक्वेशन है
एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर, ये मेरा क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये रहेगा तो क्या हो जाएगा मेरा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, एक्स वन है इक्वल टू एक्स टू है। तो यही अपने को प्रूफ करना था कि ये मेरा, इसके कारण मेरा क्या है, एफ इज वन टू वन। यहाँ पे यदि आपको क्लियर नहीं है तो आपको इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है कि यहाँ पे x1 दिया हुआ है, x1 x2 है, x2 का स्क्वायर है, तो मुझे स्प्लिट करने के लिए मेरे क्या इसको स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x1 x2 लाने के लिए यदि मैं डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो मेरा क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हटाने के लिए 2 हटाने के लिए मुझे नीचे ऐड करना पड़ेगा 2। तो मैं इस तरह से क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा मेरा, x2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड नेक्स्ट मेरा जो स्प्लिट होगा 2x1, इसको लिख सकता हूँ। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ऊपर 4 आना चाहिए इनका टोटल, यहाँ पे मेरा x2 का स्क्वायर भी आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 बाय 4 x2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा इक्वल टू जीरो। क्योंकि आप इसको स्प्लिट करेंगे तो प्लस करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन रिटर्न मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं आप, जो यहाँ पे लिखा है आप इसके बाद लिख सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड इस तरह से, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा प्रूफ होता है f इज 1 टू 1। अभी सेकंड मुझे क्या देखना है, ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए देख लेते हैं। ऑन टू में क्या करना है मुझे, ऑन टू प्रूफ करना है, तो वो ठीक है। ऑन टू करने के लिए सेम रहेगा, क्या मान लेंगे अपन, लेट y बिलोंग्स टू r, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, एंड अपना y इक्वल टू क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, x का पावर 3 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन मेरा x का क्या वैल्यू हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, y टू द पावर 1/3, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यू इस तरह का होता है, जो कि मेरा बिलोंग करेगा काय में, रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से लिख देंगे 10 फॉर ईच y द मेन आर देयर एग्जिस्ट y टू द पावर 1/3 इन R। तो इससे क्या हो जाएगा मेरा, सच दैट यदि मैं इसकी वैल्यू रखूंगा f y टू डी पावर 1/3, तो उससे क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू क्या है, x टू डी पावर 3। तो यहाँ पे मैं y 1/3 का वैल्यू रखूंगा टू डी पावर 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरा एक्चुअल वैल्यू क्या मिल जाएगा, इक्वल टू y, एंड y मेरा क्या है, मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। तो इसके कारण ये मेरा ऑन टू है, मतलब जो भी मेरा राइट साइड के सारे एलिमेंट है वो मेरे यहाँ पे इस साइड मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लिख देंगे तो दैट वाई सच दैट एफ इज ऑन टू, फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हैंस मेरा जो फंक्शन है इज 1 to 1, एंड यही अपने को प्रूफ करना था, एकदम आसान है, सिर्फ आपको ये वर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपने जो फंक्शन ऑफ टाइप के थे वो डिफरेंट टाइप के अपन ने 4 क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे हम वीडियो क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेंगे, इससे अपन आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।